हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ वर्थ की चटपटी कचौड़ी, कुट्टू की कचौड़ी लेके आई हूँ मैं आपके लिए फ्रेंड्स। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। अगर फ्रेंड्स आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे मेरी नई नई रेसिपीज़ आपको मिल सकें। तो चलिए फ्रेंड्स बनाना शुरू करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने ये कुट्टू का आटा लिया है। देखिए, ये बारीक कुट्टू का आटा लिया है मैंने और उसे प्रॉपर छान लिया है। देखिए, यहाँ पर मैंने कुछ आलू लिए हैं। आप इसकी क्वांटिटी कम ज़्यादा अपने फैमिली मेंबर्स के अकॉर्डिंग कर सकते हैं। आलू बिल्कुल बॉयल हो जाने चाहिए, बीच में कोई गांठे नहीं रहने चाहिए, नहीं तो कचौड़ियाँ प्रॉपर बनेंगी नहीं। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने चॉप्ड थोड़ा सा धनिया ले लिया है और हरी मिर्च ले ली हैं। आप इसे थोड़ी ज़्यादा कम कर सकते हैं अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग। देखिए, यहाँ पर मैंने कुछ काली मिर्च ली है, वर्थ का नमक लिया है। अगर आप वर्थ में जीरा खाते हैं तो आप जीरा खा सकते हैं। मैंने यहाँ पर जीरा लिया है। देखिए फ्रेंड्स, अब हम आलू का मिक्सचर तैयार करेंगे। मैंने इसमें थोड़ा सा जीरा डाला है। अब मैं इसमें हरी मिर्च धनिया डालूंगी। आप इनकी क्वांटिटी कम ज़्यादा कर सकते हैं। अगर आपके यहाँ पे वर्थ में धनिया नहीं खाते हैं या हरी मिर्च नहीं खाते हैं, आप उसकी जगह पे काली मिर्च या लाल मिर्च का यूज़ कर सकते हैं। देखिए, अब मैं कुट्टू का आटा डालूंगी इसके अंदर। और इसको हम प्रॉपर मिक्स कर लेंगे। फ्रेंड्स, ध्यान रखिए, पानी ज़्यादा नहीं डालना है, क्योंकि पानी ये गरम आलू होते हैं तो पानी छोड़ देता है आलू। तो देखिए, मैंने यहाँ पे काली मिर्च डाली है थोड़ी सी, सेंधा नमक, वर्थ का नमक ले रही हूँ मैं यहाँ पर। आप इसे भी कम ज़्यादा कर सकते हैं अपने स्वादानुसार। इसे पहले हमें मिक्स करना है अच्छे तरीके से। आटे को और आलू को मिक्स कर लेंगे, जिससे हमें पता चल जाए कि पानी कितना ज़रूरी है अपने आटे के लिए। इसमें पानी सिर्फ 3 या 4-5 चम्मच ही डलता है। देखिए, मैंने यहाँ पे थोड़ा सा लिया है, 4 से 5 चम्मच ही लिया है मैंने। और इसमें अच्छे तरीके से गुन जाएगा आटा। देखिए, अगर आपका आटा 4 से 5-6 चम्मच में नहीं गूंद रहा है तो आप उसे थोड़ी देर के लिए ऐसे ही छोड़ दीजिए। आलू अपना पानी छोड़ देगा थोड़ी देर में, उसे ढक के रख दीजिएगा। तो प्रॉपर देखिए, ऐसे आटा बन जाएगा आपका। ज़्यादा टाइट नहीं होना चाहिए, ज़्यादा ढीला नहीं होना चाहिए आटा। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने छोटी छोटी गोलियाँ बना ली हैं आटे की। देखिए, आप बिलीव नहीं करेंगे, बहुत क्रिस्पी और टेस्टी कचौड़ियाँ बनती हैं। आप वर्थ में इसे दही के साथ, किसी के भी साथ खा सकते हैं, खीर के साथ। देखिए, गोल गोल मैंने छोटी छोटी पेड़ियाँ बना ली हैं। और इसको बेलने के लिए चकले बेलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वैसे आप बेल सकते हैं, 2-3 टेक्निक्स होती हैं इसको बनाने के लिए। वैसे ये हाथ से धीरे धीरे हथेलियों की सहायता से आप इसको बड़ा कर सकते हैं। और ज़्यादा फैलाना नहीं है, हल्का सा थिक रखिए। देखिए, ये कचौड़ी मेरी तैयार हो गई है बनके। वाओ, देखिए तेल गरम हो गया है। मैंने साइड में तेल गरम कर लिया था और थोड़ा सा ज़्यादा गरम होना चाहिए तेल। पहले कचौड़ी डाल के हम थोड़ा सेकेंगे, फिर धीमी आंच करके हम उसे कढ़ाई में थोड़ा देर रहने देंगे। देखिए फ्रेंड्स, कचौड़ियाँ बनकर बिल्कुल रेडी हो गई हैं। आप इन्हें वर्थ के समा के चावल जो आते हैं, आप उनकी खीर के साथ इसे सर्व करिए। आप इसे दही के साथ खाइए, बहुत टेस्टी, बहुत लजीज बनती हैं। देखिए फ्रेंड्स, मैंने इसे खीर के साथ सर्व किया है। बहुत अमेजिंग टेस्ट होता है, बहुत लजीज टेस्ट होता है। फ्रेंड्स, आप इसको घर पे बिल्कुल ट्राई करिएगा और ये आपसे इजीली बन भी जाएगी। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में डाल के कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं मेरे से। ठीक है फ्रेंड्स,
देखिए तो फ्रेंड्स, कचौड़ियाँ बनकर तैयार हो गई हैं। तो अगर आपको मेरा चैनल, आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करना नहीं भूलेगा। मैं नई वीडियो के साथ फिर हाजिर होंगी आपके सामने। ओके, बाय बाय फ्रेंड्स, टेक केयर, फिर मिलते हैं। ओके।